डिसाइड कर लिया तो कर लिया, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। जॉब तो मुझे अगले दिन मिल जाएगा, नहीं अमेरिका में। अरे अब तो अमेरिका जा रहा है, मैं आर्मी में अकेला क्या करूंगा। मुझे कुछ बनना था, बनना था किसी की तरह। आखिर रिलीज से पहले क्यों बायकॉट किया जा रहा है लाल सिंह चड्ढा को? क्या करीना कपूर है बड़ी वजह? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जियार। दोस्तों, लाल सिंह चड्ढा बहुत ज्यादा चर्चाओं में है और आमिर खान भी इसका जमकर प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन अचानक ट्विटर पर हैशटैग बायकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड करने लगा है और साथ ही करीना कपूर का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कि वो बोलती हुई नजर आ रही है कि हमारी फिल्म में ना देखे। दोस्तों, आमिर खान की आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की लिए इस वजह से बहुत मुसीबतें भी खड़ी हो चुकी हैं और हैशटैग बायकॉट लाल सिंह चड्ढा जमकर ट्रेंड कर रहा है और लोग अपील कर रहे हैं कि इस फिल्म को देखने ना जाएं। आपको बता दें, ये वीडियो बहुत पुराना है जिसमें कि नेपोटिज्म के बारे में बात करती हुई नजर आई करीना और उन्होंने कहा कि हमने तो आपको फिल्में देखने के लिए मजबूर नहीं किया है, आप क्यों देखते हैं, मत देखिए। इसकी वजह से लोग और भी ज्यादा गुस्सा में हैं क्योंकि अब उनकी फिल्म आने वाली है और सब लोग याद दिला रहे हैं कि कैसे करीना कपूर ने ये सब कहा था। आपको बता दें, पहली बार नहीं हो रहा जब इसे बायकॉट किया जा रहा है। आमिर खान की वजह से भी लगातार इसे बैन करने की मांग की जा रही थी और क्योंकि आमिर खान कई बार हिंदू विरोधी और इंडिया के खिलाफ अपनी आवाज और अपने स्टेटमेंट देते रहते हैं, जिसकी वजह से फैंस बिल्कुल नाराज हैं और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा आमिर खान पर। आमिर ने इनटॉलरेंस पर बात की थी जिस वजह से उनके स्टेटमेंट को गलत समझ दिया गया और कहा गया कि आमिर खान देश के खिलाफ है। दोस्तों, अब देखना होगा क्या ऐसे लोग बॉयकॉट करते हैं, क्या आमिर की जो मेहनत है मिट्टी में मिल जाती है। आपको कितना इंतजार है लाल सिंह चड्ढा का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।